Hello students, today we are going to read your chapter Salt on a Magpie's Tail. ठीक है, this is your unit second. Okay, it's ये जो जहाँ से ली गई है स्वीडिश फॉक टेल है, एक फॉक टेल है. ठीक है, हम बात करेंगे फॉक टेल क्या होती है. सबसे पहले मैं आपको इसके हेडिंग का मीन समझा देती हूँ. सॉल्ट ऑन ए मैगीपाई टेल, एक मैगीपाई एक बर्ड होता है लाइक ए क्रॉ. ठीक है, उसकी टेल पे, टेल यहाँ पे टी ए आई एल, इसका मतलब होता है पूंछ. ठीक है, टी ए एल ई, यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं टेल, एक तो ये टेल और एक ये जो ये वाली टेल. ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है, इस टेल का मतलब होता है पूंछ और इस टेल का मतलब होता है कहानी. ठीक है, क्योंकि इनका स्पेल जो है वो डिफरेंट है, साउंड सेम आ रहा है बट स्पेलिंग डिफरेंट है. टी ए एल ई इसका मतलब होता है कहानी, टी ए आई एल इसका मतलब होता है पूंछ. ठीक है, तो हम जो मैगीपाई है, एक बर्ड है, उसकी टेल पे सॉल्ट का डालना. ठीक है, ये स्टोरी है तो हम इसको पढ़ते हैं. यहाँ पे हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है, उसको हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो फॉक्स टेल्स आर द अर्लीस्ट जनरस ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो ये जो फॉक टेल्स होती हैं, पुराने ज़माने में लोग सुनाते थे अपना टाइम पास करने के लिए. दे वर मेड अप सेंचुरीज अगो इवन बिफोर राइटिंग एंड प्रिंटिंग बिकेम कॉमन. ये बहुत टाइम पहले से चली आ रही है, जब प्रिंटिंग्स नहीं होती थी, लोग बुक्स नहीं छपती थी. ठीक है, तो अपना जो आइडियाज से वो शेयर करने के लिए इन टेल्स को इस्तेमाल किया जाता था. फॉक टेल्स मेक अ यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स टू कन्वे मॉरल एंड वैल्यूएबल लेसन. और इन टेल्स का इन टेल्स के थ्रू इसमें एनिमल्स और ह्यूमन कैरेक्टर्स दोनों होते थे, और इनसे क्या सीख दी जाती थी. ठीक है, मॉरल और वैल्यूएबल लेसन, मतलब कुछ आपको बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती थी. ठीक है, और बहुत सालों से ये जो है ये चलता आ रहा है. ठीक है, वैसी एक स्टोरी है ये सॉल्ट ऑन मैगीपाइज टेल, तो हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, अ यंग लैड नेम्ड ओली स्पेंट हिज टाइम डे ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स ही फैंसीड. एक यंग बॉय था, ठीक है, उसका नाम था ओले, और वो अपना पूरा टाइम किस में स्पेंड करता था, डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में सपने देखते रहता था. जो उस चीज़ें उसको चाहिए थी, टॉयज उसको चाहिए थे, क्लैस्पिंग नाइफ, एक बहुत सुंदर सा नाइफ उसको चाहिए थे, वैगन मतलब होता है एक कार्ट, जो मतलब गाड़ी जैसा है ना, पोनी मतलब घोड़ा, हाउस विद अ गार्डन, और एक बहुत बड़ा सा घर जिसमें गार्डन भी हो, एक्सेट्रा. ऐसे ही इसकी सारी इच्छाएँ थी. हिज विडोड मदर हु सोल्ड ब्रूम्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ. और उसकी एक बूढ़ी माँ थी, विधवा माँ थी, उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, ओले के फादर की डेथ हो चुकी थी, और वो जो बूढ़ी माँ थी उसकी, वो क्या करती थी, ब्रूम्स मतलब झाड़ू बेचने का काम करती थी. कुड हार्डली मेक एंड्स मीट, और वो उसको बहुत मुश्किल से पैसे मिल पाते थे. लेट अलोन गेट हिम द थिंग्स दैट ही फैंसी. और वो पूरा दिन किस में बिजी रहता था, ओले अपने सपनों में बिजी रहता था कि मेरे पास ये हो जाए, मुझे ये चाहिए. ठीक है, द सिचुएशन वर मिजरेबल, जो उनकी सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी. मिजरेबल मतलब बहुत ख़राब थी. दे लिव्ड इन अ डायलिपेटेड हाउस, और वो बहुत टूटे फूटे, डायलिपेटेड का मतलब होता है बहुत टूटे फूटे घर में रहते थे. एज कोल्ड एंड अनकम्फर्टेबल एज ए ब्रोकन डाउन हाउस कुड बी. और वो जो मतलब घर जो था वो बहुत टूटा फूटा सा था, और उन वहाँ पर रहना बहुत अनकम्फर्टेबल था. ठीक है, एंड दे बेयरली मैनेज स्क्वायर मील ऑन सम डेज. और कभी कभी तो उनके लिए एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल होता था, मतलब खाने का जितना भी उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती थी. द यंग लेडी वॉज ऑफ नो हेल्प टू हिज मदर एज ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम डे ड्रीमिंग. और वो जो बॉय था ओलिव, वो अपनी माँ की कोई हेल्प नहीं करता था, और अपना पूरा टाइम किस में वेस्ट करता था, डे ड्रीमिंग में, दिन में सपने देखता रहता था. ठीक है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, सिटिंग ऑन ए गार्डन बेंच. वो कहाँ बैठा हुआ था, गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ था, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है. ओले वॉज एज यूजल मटरिंग टू हिमसेल्फ, और ओले अपने आप से बातें कर रहा था. मटरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना. मटरिंग मतलब जैसे हमेशा वो दिन में सोचता था, डे ड्रीमिंग करता था, सपने लेता रहता था, लाइक ये ना मेरे पास ये हो, तो इस तरह से वो बात कर रहा था. इफ़ आई हैड अ शार्प नाइफ, वो सोच रहा था कि मेरे पास अगर शार्प नाइफ हुआ, आई वुड कार्व आउट टॉयज टू प्ले, तो मैं क्या करूँगा, जो वुडन से ना उन एक प्ले टॉयज़ बनाऊंगा खेलने के लिए, बच्चों के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर से टॉयज़ बनाऊंगा. इफ़ आई हैड अ वैगन, और अगर मेरे पास कोई वैगन हुआ, वैगन मतलब जो गाड़ी हुई, आई वुड कैरी माई टॉयज़ एवरीवेयर, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो टॉयज़ बनाए हुए उनको हर जगह बेचूंगा. ठीक है, तो ये वो सोच रहा था कि नाइफ से मैं क्या करूँगा, टॉयज़ को शेप दूंगा, वुडन से टॉयज़ बनाऊंगा,
ठीक है, नाइफ के साथ हेल्प से, और फिर वैगन होगा तो मैं उनको जगह जगह जाकर बेचूंगा। इफ़ आई हैड अ पोनी, और अगर मेरे पास पोनी हुआ तो, ये बस सोच ही रहा था, तब क्या होता है उसके पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, एंड ओल्ड मैन सिटिंग बिसाइड हिम स्माइल्ड एज ही हियर्ड ऑल इट टॉकिंग टू हिमसेल्फ। और वो बैठ के बूढ़ा आदमी उसकी बातों पर सुन के है ना थोड़ा स्माइल कर रहा था, और जो उसके पास में ही बैठा था, ठीक है। ही टैप द यंग शोल्डर, यंग लेट शोल्डर एंड एडवाइस, और उसने क्या किया,